इनकम टैक्स की अलग अलग टीम ने आज बिहार में करीब एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की है और ये छापेमारी बालू माफियाओं से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई है। आरा के जो JDU के MLC हैं राधाचरण सेठ, जो ब्रॉडसन कंपनी के डायरेक्टर में से एक हैं, इसके अलावा जो ब्रॉडसन कंपनी का जो ठिकाना है उसके अलग अलग पार्टनरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। ये ब्रॉडसन कंपनी का दफ्तर है जहाँ पे उसके एक MD डॉक्टर अशोक कुमार का दफ्तर बताया जा रहा है। और ब्रॉडसन कंपनी बिहार में बालू का ठेका लेने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और कई आरोप भी लगते रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में बिहार के कई रसूखदार लोग इस पूरे कंपनी में जुड़े हुए थे और कई तरीके से ये वर्षों से बालू के काम में लगे हुए हैं। और आज इनकम टैक्स ने कई ठिकानों पर जो छापेमारी की है उसमें राधाचरण सेठ के भोजपुर, बक्सर और उनके कई रिसॉर्ट हैं वहाँ पर छापेमारी की है। इसके अलावा उसके उनके जो पार्टनर हैं डॉक्टर अशोक कुमार और उनके बेटे जीवन, उनकी भी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और अभी तक ये छापेमारी के संबंध में इनकम टैक्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और ये बताया जा रहा है कि ये छापेमारी बिहार के अलग अलग हिस्सों में चल रही है और लगातार इनकम टैक्स और पटना में जो दर्शन का जो ये दफ्तर है ये सिर्फ इनकम टैक्स दफ्तर के ठीक पीछे ये दफ्तर है। और यहाँ पर देखिए कि जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस पूरे में करोड़ों रुपये के जो टैक्स का जो टैक्स की घोटाले की बात आ रही है। और इस छापेमारी से हड़कंप इसलिए सियासत मचा हुआ है क्योंकि कई सियासी लोग इस कंपनी में शामिल हैं। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ मिताभ ओझा, पटना News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।